राजगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के तवरवाड़ क्षेत्र के कालीपीठ में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर बरसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। जन कल्याण की सारी योजनाओं पर रोक लगा दी है, इसको सबक सिखाना है। बिजली नहीं मिल रही है, दिग्विजय सिंह अपनी सभाओं में जनरेटर लेकर घूम रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लंगड़ी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 2 लाख का कर्ज माफ करने की घोषणा करने वाली कांग्रेस की सरकार, जिसे 48,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा करना था लेकिन 1300 करोड़ ही जमा किए, तो सभी किसानों का कर्ज माफ होना संभव कैसे होगा? शिक्षित बेरोजगारों को हर माह 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने को कहा था, परंतु यहाँ बैठे युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि उनको किसी को भी बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हुआ है या नहीं। खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।